नमस्कार, वेलकम टू लेट्स कुक अप। चिंगारी लगाना यानी कि स्पार्क लगाना। आज मैं जो डिश बनाने वाला हूं ये बेसिकली आपके मेन्यू में एक चिंगारी लगाएगा। तो चलो आज हम बनाते हैं अंडा चिंगारी। अंडा चिंगारी बनाने के लिए हमें दो बॉइल्ड एग लगेंगे और साथ में दो अंडा स्क्रैम्बल बनाने के लिए, साथ में एक कप प्याज फाइनली चॉप्ड, एक कप टमाटर का प्यूरी, थोड़ा सा धनिया, एक चम्मच हरी मिर्च फाइनली चॉप्ड, एक चीज क्यूब, एक चम्मच अदरक लहसुन क्रश किया हुआ और थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। मसाले में मैंने आम पे दोनों टाइप का लाल मिर्च का पाउडर लिया है, एक कलर के लिए और एक तीखापन के लिए, एक एक चम्मच। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से। तो चलो बनाते हैं अंडा चिंगारी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई गरम होने के बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं वेजिटेबल ऑयल। तो कढ़ाई गरम हो गया है, अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं एक बड़ा चम्मच वेजिटेबल ऑयल। तो हम इसमें अब दो अंडा ऐड कर लेते हैं। हमें ये अंडे को स्क्रैम्बल करना है। तो अंडा स्क्रैम्बल हो गया है, अब इसको हम एक बोल में निकाल के रख लेते हैं। अब ये सेम कढ़ाई में हम आगे के स्टेप्स कर लेते हैं, जिसके लिए हम वापस ऑयल ऐड कर लेते हैं एक बड़ा चम्मच। ऑयल गर्म होने के बाद हम ऐड कर लेते हैं प्याज, थोड़ा सा नमक ऐड करके हम इसको हल्का सा ब्राउन होने तक सॉटे कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं एक चम्मच हरी मिर्च और एक चम्मच अदरक लहसुन क्रश किया हुआ। सिंस ये स्ट्रीट फूड है तो जैसे स्ट्रीट फूड में थोड़ा तेल ज्यादा होता है, इसलिए मैं थोड़ा और ऑयल ऐड कर रहा हूं। तो जैसे आप देख सकते हो प्याज में हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें हम एक एक करके मसाला ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों टाइप का लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। अब ये मसाले का कच्चापन जाने तक हम इसको अच्छे से स्टर कर लेते हैं। तो अराउंड 2 मिनट हो गया है, मसाले का कच्चापन भी चला गया है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं एक कप टोमेटो प्यूरी। अब ये टोमेटो को हम 2 मिनट तक स्लो फ्लेम में लिड रख के कुक कर लेते हैं। तो अराउंड 2 से 3 मिनट हो गया है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो साइड से तेल छूट रहा है, इसका मतलब ये है कि जो टमाटर है ये कुक हो गया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं बॉईल किया हुआ अंडा जो मैंने छोटे पीसेस में कट किया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं चीज क्यूब और साथ में ऐड कर लेते हैं स्क्रैम्बल किया हुआ अंडा। अब इसमें हम आधा ग्लास पानी ऐड करके जेंटली इसको मिक्स करना है। मैंने अराउंड आधा ग्लास से ज्यादा पानी ऐड किया है। जो चिंगारी होता है ये स्पाइसी सेमी थिक ग्रेवी है। एक चीज ध्यान देना है कि इसको हमें एकदम आराम से मिक्स करना है, वरना क्या होगा बॉइल्ड एग की वजह से इसमें एक सॉगी टेक्सचर आएगा। हमने पहले सिर्फ प्याज के साथ थोड़ा सा नमक ऐड किया था, तो मैं वापस नमक ऐड कर लेता हूं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं आराम से
एंड फिर टेस्ट चेक कर लेते हैं। एक चीज ध्यान देना है कि जब आप चीज ऐड करोगे तो नमक उसके हिसाब से आपको ऐड करना है। तो वापस हम लिड रख के इसको 2 मिनट तक कुक कर लेते हैं ताकि जो मसाला है ये अंडे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अराउंड 2 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा अंडा चिंगारी रेडी है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं गरम मसाला, ये अराउंड आधा चम्मच गरम मसाला है। साथ में हम थोड़ा धनिया ऐड करके इसको सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो रेडी है हमारा अंडा चिंगारी, इसको जरूर ट्राई कीजिए। ये एक स्पाइसी सेमी थिक ग्रेवी है। अब इसको मैं एक बोल में सर्व कर लेता हूँ, तो आप लोग भी इसको जरूर ट्राई कीजिए। ये स्पाइसी सेमी थिक ग्रेवी जो है अंडा चिंगारी, आपका जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग भी अपने घर पे ये इजी और टेस्टी साइड डिश जरूर ट्राई कीजिए। मैक्सिमम 15 मिनट में आप भी अपने घर पे ये बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट लाइक बटन, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अंटिल देन टाटा।